नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीवी न्यूज में। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पीएम मोदी पर दिए बयान के मामले में कोर्ट ने पवन को 17 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दे रखी है, यानी 17 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। कांग्रेस नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम को गौतम दास मोदी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उन्हें प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कंफ्यूजन था। वहीं इस बयान के बाद 23 फरवरी को पार्टी अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने पवन को फ्लाइट से उतार कर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। उधर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि पवन खेड़ा के खिलाफ देश भर में केस दर्ज हो रहे हैं, ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत और सभी केसों की एक साथ सुनवाई की जाए। वहीं आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पवन को राहत देते हुए 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी थी। वहीं अगली मामले की सुनवाई के दौरान असम और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था, जिसके बाद CJI चंद्रचूड़ ने 3 मार्च तक का समय दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले पर यूपी और असम के जवाब रिकॉर्ड में नहीं है। अब इस याचिका पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई होगी। बेंच ने पवन खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत 17 मार्च तक कर दी थी। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहें डीवी न्यूज के साथ।